कुत्ता देख के गाय भाग रही है, ये देखो कुत्ता है जो, इसको देख के गाय डर रही है कि बच्चे को कुछ करना दे। तो चल भाई, अभी जस्ट आधे घंटे पहले डिलीवरी हुई है गाय की, और बता दूं आपको गाय की डिलीवरी सेल्फ डिलीवरी हुई है, गाय खुद ने, किसी ने हाथ नहीं लगाया, हमें तो पता भी नहीं था कि हाँ गाय की डिलीवरी हो रही है। ऐसे देखना आए थे तो देखा तो सर गाय बच्चा तैयार था। चल चले, चल नहीं रही है घर पे, बिल्कुल नहीं चल रही है। बच्चे की, बच्चे को देख के तो गाय भागती है अच्छी अच्छी, बस बच्चे के हिसाब से चल जाएगी वरना। और बाकी दूसरी गायों को देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है इनको, फिर फोकट में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। फालतू में सीधी हो रही है, घर जाने को तैयार हो रही है। दरवाजा खुला पड़ा है, ये देखो दरवाजा खुला पड़ा है, लेकिन गाय कोई निकल नहीं रही क्योंकि उनको पता अच्छी तरह से ये अपना टाइम है नहीं घर चलने का। हले ये खुद नहीं जा रही है, ये खुद घर पे नहीं जा रही, इसको पता है कि घर पे कितनी गर्मी होगी। चलो पानी वानी पिला देते हैं गाय को, ठंडा पानी पानी भी नहीं पिलाना क्योंकि पानी है ठंडा, अरे ठंडा पानी है, ठंडा पानी जब गाय की डिलीवरी होती है तो उसको ठंडा पानी नहीं पिलाते क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर गिर गया यानी कि जो अंदर जर जो निकलनी है वो जर नहीं निकल पाएगी। आप पानी पिलाइए, गर्म ही पिलाइए, चाहे गर्मी हो या सर्दी वो मत देखिए, गर्म ही पिलाना पड़ता है ताकि बॉडी टेम्परेचर ना बिगड़े। गर्म पानी पिला के बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है ताकि जो डिलीवरी के टाइम बाद में जो जर निकलती है वो जर निकलने में दिक्कत ना हो। चल अब ठंडा पानी पिला देंगे तो फिर वह क्या, बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा और बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जर नहीं पड़ेगी। जर बहुत सारी गाय की तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। चलो गाय निकल भी सकती है, अटका क्या है, चल बड़ी बदमाशी कर रही है क्योंकि इसको घर नहीं जाना है। ये आप देखिए, गाय को दिखा देता हूँ आप, गाय गाय आपको गाय दिखाई नहीं हो ना अभी तक, गाय तो देख लीजिए आप, ये देखिए ये बच्चा, ये बच्चा है जिसका चैनल है वो ये आदमी है, इसी का तो चैनल है ये। चलो बच्चों को अंदर डालते हैं और गाय को भी। पहले तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और पानी पी लिए वापस। ये देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं आप, ये बड़ा बदमाश आदमी है, इसको सबर नहीं, चैन से रहता नहीं है कहीं भी, इसके लक्कड़ ऐसे ही डूबने के। अब चढ़े तो चढ़े कैसे, ऊपर से अटक चुका है बिल्कुल, अब पानी के अंदर है, दो पैर पानी के अंदर, अब करे तो करे क्या। तो चलो इसको निकाल देते हैं, साला चुपचाप बैठता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ का सब्र रखना चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर। अपने ये डेयरी फार्म पर ये वाली गायों को यहीं रखते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इस गाय का तो ऐसा काम है कि साला जिस गाय को देखो उसी को मारती, जिस गाय को देखो उसी को मारती। इसका प्रेजेंट टाइम डिलीवरी हुई है तो इसको भी यहीं रखते हैं, गैस पे जाती है, दूसरी गायों को और लेके आ जाती है, और ये जिसकी डिलीवरी हुई है। आपको सही से गाय दिखी नहीं हो तो अब आप रुक कर मैं आपको गाय दिखाता हूँ, ये गाय देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त गाय है, घर की पाली हुई बछड़ी है, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, बहुत ज़ोरदार बछड़ी है ये, गर्मी की वजह से देख लीजिए आप, गर्मी की वजह से और
प्रेजेंट टाइम डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के टाइम सर्दी क्यों ना हो, गाय ऐसा घबराहट सी हो जाती है, गाय को भैंसों को भी ऐसा ही होता है। तो चलिए वीडियो बन चुकी है, 5-7-10 मिनट की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गाय सेल के लिए अवेलेबल है, बता दूँ आपको प्राइस, इसका दूध दिखाएंगे, प्राइस बाद में डिसाइड कर लेंगे। आपको पसंद है तो आप यूट्यूब की फैमिली अपनी कहीं भी कमेंट करिए, या आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। प्लस सिरोही नसल की बकरी है अपने पास, तोतापुरी भी है और सिरोही नसल की, और इसके अंदर ब्रांडेड चीज़ दिखाता हूँ। सिरोही नसल के अंदर बकरी की रेट 60,000 रुपये है, ठीक है, ये देखिए सिरोही नसल प्लस तोतापुरी, इसका नाक देखिए आप, देख लीजिए, ठीक है, इसकी प्राइस रेट है 50 से 60 हज़ार रुपये। 50 में तो हम खुद नहीं दे रहे इसको, और ब्याने के बाद आराम से 2 बच्चे होंगे और उस बच्चे की रेट रहेगी 1 साल के अंदर 1,00,000 रुपये दोनों की। तो वैसे ही बेचने की ज़रूरत नहीं है, घर की पाली हुई बकरी है तो हम बेचना है ही नहीं, ब्याने का टाइम है इसका, ब्याने वाली है, इसके बच्चों के लिए कूलर लाना पड़ेगा अलग से। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।